छत्तीसगढ़ के कोरिया में भाजपा ने किसानों की आवाज को बुलंद करते हुए रोष प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि प्रदेश की भूपेश सरकार के विरोध में भाजपा सड़कों पर उतर गए। उन द्वारा कलेक्टर कार्यालय का घेराव भी किया जाना था, लेकिन पुलिस ने उनका रास्ता रोक लिया। वहीं जिले भर से आए हुए हजारों कार्यकर्ताओं एवं किसानों ने अपनी गिरफ्तारियां भी दी। भाजपा जिला संगठन प्रभारी प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने राज्य के किसानों के साथ छल किया है। उन्होंने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव ने राज्य की जनता के साथ मिलकर कांग्रेस की जोगी सरकार को उखाड़ कर फेंकने की चुनौती दी थी। इसके लिए उन्होंने अपनी मूछें दांव पर लगा दी थी। कांग्रेस सरकार ने किसान, नौजवान, बुजुर्ग, जनजातीय समाज सभी वर्गों की उपेक्षा की है। आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल में सरकार ने शराब की बिक्री कर महामारी को फैलाने का कार्य किया है। किसानों के धान की फसल को खरीदा नहीं जा रहा। आने वाले समय में भाजपा किसानों के साथ खड़े होकर उन्हें न्याय दिलाने का कार्य करेगी। साथ ही वादी खिलाफी करने वाली सरकार के विरुद्ध जन आंदोलन किया जाएगा। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य को मांग के आधार पर केंद्र सरकार ने बारदाने उपलब्ध कराए थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की उन्नति के लिए काम किया है, किंतु धोखा देकर राज्य की सत्ता में काबिज भूपेश सरकार ने किसानों के साथ घोर अत्याचार किया है, साथ ही साथ वर्गों के साथ छलाव किया है। कांग्रेस के सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं जिला मुख्यालय में भरी संख्या में पहुंचने के लिए सभी को धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि धान खरीदी केंद्रों में तालाबंदी की स्थिति हो रही है, किसानों के रकबे काट दिए गए हैं, किसी ना किसी बहाने से किसानों का धान लेने से मना किया जा रहा है, बिचौलिए पूरी तरह से हावी हैं और आम किसान आज पूरी तरह से हताश हो चुका है। कांग्रेस की दमनकारी नीतियों ने पूरे प्रदेश की स्थिति की चिंताजनक बना दिया है। हम हर मुद्दे पर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और कांग्रेस की सरकार को इतना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूर्व मंत्री भैयालाल रजवाड़े ने कहा कि सिर्फ 2 साल के कार्यकाल में सरकार ने राज्य की दशा बिगाड़ कर रख दी थी। आज किसानों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। गांवों में निराशा का माहौल है, लोग त्रस्त हो चुके हैं। कोरिया से संवाददाता राजू शर्मा की रिपोर्ट। जो भूपेश बघेल की सरकार है, जिन्होंने किसानों के साथ जो वादा करके सरकार में आए हैं और छत्तीसगढ़ के किसानों ने 68 सीट देकर सरकार बनाने में एक बड़ा आशीर्वाद दिया था, और उन्हीं किसानों के साथ छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार जो उनका धान का रकबा काट दिए, वनाधिकार प्राप्त जो किसान है वनांचल में रहने वाले ऐसे किसानों का धान इस बार नहीं खरीदा गया। विगत पिछले वर्ष का जो धान बिक्री हुआ है उसका 14 माह हो गए, पूरा भुगतान नहीं हुआ है। 2 साल का पिछला बोनस जो इन्होंने वादा किया था उसको नहीं दिए हैं। इस प्रकार से बारदाना की जो कमी है, जिसमें किसान 15 रुपये बारदाना को 40 रुपये खरीद के धान दे रहे हैं, और सरकार हर एंगल से चाहती है कि किसानों का धान ना आए, किसान प्रदेश में खून के आंसू रो रहे हैं और किसानों के जो उनको न्याय मिल सके, किसानों के एक एक दाना धान खरीदा जा सके, उस बात को लेकर हम आज ये प्रदर्शन किए थे। और छत्तीसगढ़ के किसानों ने 68 सीट देकर सरकार बनाने में एक बड़ा आशीर्वाद दिया था, और उन्हीं किसानों के साथ छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार जो उनका धान का रकबा काट दिए, वनाधिकार प्राप्त जो किसान है वनांचल में रहने वाले ऐसे किसानों का धान इस बार नहीं खरीदा गया। विगत पिछले वर्ष का जो धान बिक्री हुआ है उसका 14 माह हो गए, पूरा भुगतान नहीं हुआ है। 2 साल का पिछला बोनस जो इन्होंने वादा किया था उसको नहीं दिए हैं। इस प्रकार से बारदाना की जो कमी है, जिसमें किसान 15 रुपये बारदाना को 40 रुपये खरीद के धान दे रहे हैं, और सरकार हर एंगल से चाहती है कि किसानों का धान ना आए, किसान प्रदेश में खून के आंसू रो रहे हैं, और किसानों के जो उनको न्याय मिल सके, किसानों के एक एक दाना धान खरीदा जा सके, उस बात को लेकर हम आज ये प्रदर्शन किए थे। और भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की सरकार को जड़ से उखाड़ना चाहती है। आज कोरिया जिला में कई हजार की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और किसानों ने मिलकर आज के इस घेराव को सफल बनाया है। क्या किसान होता है भाजपा, कांग्रेस होता है भाजपा, क्या उन्होंने लिस्ट जारी किया? लिस्ट जारी किया, गलत जारी किया है। किसान कोई भाजपा नहीं होता, कोई कांग्रेस नहीं होता, किसान किसान होता है। किसान के एक एक दाना खरीदने के लिए तुमने वादा किया था, किसानों का रकबा काट दिया। किसानों का आज ऑनलाइन नहीं हुआ तो धान नहीं खरीदी होगा, टोकर नहीं कटेगा तो धान खरीदी नहीं होगा, बोरा नहीं मिलेगा तो धान खरीदी नहीं होगा। कुल मिला करके बहाना बाकी है।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।